Hi everyone. This video is for students who are going to appear CLAT 2022 tomorrow. Wish you very, very good luck. So I just want to give you a few last minute advices. Number one advice is from my own experiences is that life just never goes the way you plan it. सो आई एम श्योर कि आज तक हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर क्लैट अपेयरिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स सो आई नो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर क्लैट दे हैव गॉन थ्रू अ वेरी लॉन्ग जर्नी सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है जिन्होंने 2 साल से तैयारी कर रहे हों जो 1 साल से कर रहे हों कुछ रिपीटर्स हों कुछ हो सकता है कि 12th के इमीडिएटली दे हैव गिवन 12th अलॉन्ग एंड बोर्ड्स के साथ में बाद में तैयारी करनी शुरू करी हो सो स्पेसिफिकली फॉर द क्लास स्टूडेंट्स आई नो हाउ रिग्रेस इट इज सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट इट जस्ट नेवर गोज द वे यू प्लान इट अब इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है सो लास्ट मिनट एडवाइस ऑन दिस पॉइंट इज दैट अब प्लानिंग बंद कर दो अब राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम there is no point of planning anything there is no point of worrying about anything at this point of time you just need to loosen up you just need to relax aur kal jo bhi hoga wo aapki planning ke hisab se hoga hi nahi ha it is important to plan for the future it is important to prepare yourself for the future but it is more important to live in the present तो अभी बहुत मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी हैं बहुत करीबी लोग हैं मेरे जो क्लैट लिख रहे हैं सो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी अब बस अब छोड़ दो अब लीव इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नथिंग्स गोना वर्क ओके सेकेंड एडवाइस इज कल एग्ज़ाम में यू नो योर एग्ज़ाम इज मोर अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन योर एग्ज़ाम इज मोर अबाउट हाउ बेटर यू रीड ओके सो इट्स नॉट लाइक एनी अदर लॉ एंट्रेंस कि जहाँ पे आपको कुछ सॉल्व करना है या फिर कोई फॉर्मूलाज हैं इट ऑल डिपेंड्स हाउ बेटर यू कॉम्प्रिहेंड हाउ फास्ट यू रीड हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यू कॉम्प्रिहेंड सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपका माइंड रिलैक्स्ड आपका माइंड अगर परेशान होगा कहीं पर भी पजल्ड होगा या नर्वस होगा तो एक लाइन को 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो अगर आप शांत होगे If you are calm, relaxed, just like what we say that कि जो ठहरा हुआ पानी होता है just stagnant water उसके अंदर reflection बहुत clear दिखता है किसी भी चीज़ का अगर पानी के अंदर waves होती हैं तो reflection clear नहीं दिखता so you won't be able to see anything clearly unless you are in a calm state so keep yourself calm कुछ 2 questions ऐसे दिख जाएं जो आपको आते हों तो उसमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना और कुछ ऐसे क्वेश्चन दिख जाएं जो आपको नहीं आते हों तो उसमें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना मैं इस स्ट्रैटेजी को कहती हूँ प्रिपेयर योरसेल्फ एज अ मॉन्क ओके सो दिस इज मॉन्किज्म आपको अपने आप को मॉन्क की तरह करना है कि भैया कुछ हो रहा हो जीवन में अच्छा हो रहा है तो भी कोई बात नहीं बुरा हो रहा है तो भी कोई बात नहीं नथिंग कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम यू वॉट एवर is made for you, meant for you, destined for you, will definitely find its way to come to you. Okay? And early morning, अपना time से पहुँचना ये सारी बातें सबको पता ही होती है admit card लेके जाना ये वो all that will work is how you are dealing with the paper. So the last minute advice is कि कल paper में कोई experiment मत करना आज तक जो कुछ भी आप करते आए हो अपने मॉक्स के साथ अपने एग्जाम्स के साथ अपनी पढ़ाई के साथ प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सेम स्ट्रैटेजी बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम में कुछ और पा लेते हैं लाइक समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट और इट इज़ ईजियर तो उस समय कुछ क्लिक कर जाता है कि यार मैं तुक्के लगा देती हूँ आज मैंने आज तक कभी गेस वर्क नहीं किया आज गेस वर्क कर लेती हूँ या फिर कुछ भी ठीक है प्लीज़ डू नॉट do any kind of experiment what you have not tested on yourself before okay so all the very very best sab acha hoga abhi agar if you have watched this video to mujhe batao comment mein how you have prepared yourself for tomorrow's exam and I will definitely give you my wishes and tomorrow exam ke baad bhi how the exam went all the very best to all of you